के जहाँ परिवार में फूट होती है वो विनाश की तरफ परिवार जाता है। पल्लवी पटेल जी का बयान सार्थक बयान है, अच्छी सोच अच्छी है। दुर्भाग्य है कि जो पिछड़े दलित की दुहाई देने वाले बड़े नेता हैं, माननीय अखिलेश यादव जी और मायावती जी, ये दोनों खुद आपस में लड़ रहे हैं। यही पिछड़े दलित के दुश्मन दोनों। अगर ये पिछड़े दलित के हितैषी हैं, ये दोनों इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते? ये दोनों इकट्ठा हो जाते, जिसको समझते उसको ले लेते, ये दोनों का खाली वोट जोड़ लेंगे, तभी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने भरा फूट है दोनों के पास। लेकिन दोनों अलग अलग बांट देते हैं और उसका नुकसान किसको झेलना पड़ता है? 69,000 शिक्षक भर्ती को देते, किसका नुकसान हुआ? पिछड़े दलित का। 68,500 में किसका नुकसान हुआ? पिछड़े दलित का। चाहे डिग्री कॉलेज में, चाहे विश्वविद्यालयों में जो नियुक्ति हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की या प्रोफेसर की, किसका नुकसान हो रहा है? पिछड़े दलित का। कौन जिम्मेदार है? मायावती जी और अखिलेश जी जिम्मेदार हैं। इन दोनों को पहले एकजुट होते, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों इकट्ठा होते, दोनों एक साथ बुलाते, चाहे पल्लवी के बुलाते, चाहे जिसको मर्जी उसको बुलाते, तो फिर तो वो तो स्वाभाविक है कि दोनों एक साथ जब चलेंगे तो लोग करते।